पुष्पराजगढ़ के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के उप संभाग राजेंद्र ग्राम के कैंपस में 7 फीट लंबे अजगर के आ जाने से हड़कंप मच गया। सर्प प्रहरी हरीश ने बड़ी मशक्कत के बाद अजगर को रेस्क्यू किया। पकड़े गए अजगर को अमरकंटक के भुंडाकोना जंगल में छोड़ दिया गया। ये अजगर है, इसे पाइथन भी कहते हैं। ये जहरीला नहीं होता है, इसमें कोई जहर नहीं होता। ये साइज में बहुत लंबा होता है, आप इसको साइज देख के हमेशा पहचान सकते हैं। और इसी की तरह दिखने वाला एक वो रहता है, रसा स्वाइपर, तो वो छोटा रहता है। पर इसका भी बच्चा अगर छोटा हो तो उनमें थोड़ा अंतर पहचान पाना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए सांप को अच्छे से देख लीजिए आप। हम यहीं PHE ऑफिस में खड़े थे, ये अजगर जो निकला था और उसको रेस्क्यू कर लिया गया है। आइए हम रेस्क्यू करने वाले से हरीश जी से बात करेंगे कि किस तरह से उस अजगर को रेस्क्यू किया। देखिए, हम लोग सर्प मित्र हैं, कोई भी जीव जंतु हम पकड़ते हैं और उसको स्वच्छंद जंगल में विचरण के लिए छोड़ देते हैं। जिसको भी मैं लेके जाऊंगा, नलघटी जंगल है, घना जंगल है, वहां ले जाके हम छोड़ देते हैं। आम लोगों के लिए कुछ कहना चाहेंगे क्या है? अजगर देखिए एक खतरनाक प्राणी है, लोग बाग उससे डरते भी हैं, तो उससे संबंधित क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं कहना ये चाहूंगा कि जिस तरह सांप से हम डरते हैं, हमसे ज्यादा जीव जंतु हमसे डरते हैं। इंसान से बड़ा जानवर कोई नहीं है। तो सभी लोग से ये बताना चाहूंगा कि सांपों की पहचान करें, कौन जहरीला है कौन जहरीला नहीं है। क्योंकि हमारे देश में 70% जहरीले सांप नहीं होते हैं, 30% जहरीले होते हैं, पर जानकारी के अभाव में सर्प के काटने से काफी मृत्यु हो रही है। देखिए, अभी हमने हरीश जी से बात की, उनका कहना है कि सांप मित्र होता है और इससे डरने की जरूरत नहीं, खाली पहचान करने की जरूरत है कि कौन सा जहरीला है कौन सा जहरीला नहीं है। और अभी इस अजगर को रेस्क्यू करके अब ले जाएंगे और शांत इसको जंगल में विचरण के लिए छोड़ दिया जाएगा। खबर भारत के लिए अनिल दुबे, पुष्पराज।